इब्रानियों के नाम पत्री 12वां अध्याय। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लोहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सहलो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, और ध्यान से देखते रहो ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबील के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे? उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है।